बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मॉडर्न लैंग्वेज स्कूल आई टन टू कैंपस इस्लामाबाद। टुडे द डेट इज़ 17 सितंबर 2020। नाउ टुडे क्लास वी विल डू अ ग्रामर बुक, अ टेक्स्ट बुक एंड एन एक्टिविटी बुक। फर्स्टली पिक आउट योर ग्रामर बुक। वी विल डू अ सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ ग्रामर ऑफ एन एडजेक्टिव। सो पिक आउट योर ग्रामर बुक। नाउ क्लास इज ग्रामर बुक पेज नंबर 32। Write a date that is 17 September 2020. Okay, exercise B. We have learned about the adjectives. Exercise B, choose the most suitable adjective that best describe each picture. Now write it. You will see a picture and then write the appropriate word according to this picture. Okay, now you can see him, a baby. So old, tall or young? He is very young, so write young. Chota hai na bahut. Now dirty, bad or clean? It's a clean, so write clean. Now big, hot, long? Now you can see it, dhuye nikal rahe, it is hot. So write hot. Next is black, white or green? You can see it, green color, a green plant, so green. These all words are adjectives. Acha, happy, sad or angry? Now you can see them, it's a birthday party, so happy, sad or angry? Happy, khush hai na bahut zyada, birthday party. So these all words are adjectives. Old, tall, young, dirty, bad, clean, big, hot, long, white, black and green, happy, sad, angry. Okay, now class pick out your textbooks. Now class, it's page number 54. Writing my pen pal. Write a date again. Oh ho, I have made a mistake. Just a minute. Yes, 17 September 2020. Writing my pen pal Alice. Recently received a postcard. Received, underline this word, a postcard, underline it again, from her new pen pal Sally Turner. Read what it says and pay attention to the different parts of her postcard. Attention, different. Okay, now this is a postcard. Okay, now Sally, theek hai, Sally is a girl who is writing a postcard or who is posting a card to her friend who is Alice. Okay, now we will read this card. Dear Alice, theek hai, we will write a name, salutation and name of addressee. Addressee jiske upar एड्रेस, मतलब जिसके घर पे भेजना हो, लाइक जिसका एड्रेस देना हो, वो कौन है. सैल्यूटेशन एंड नेम ऑफ एड्रेसी, एड्रेसी जिस तक आपने पोस्ट कार्ड पहुँचाना है, वो क्या है, डियर एलिस, एलिस है उसका नाम, ठीक है. वहाँ पे नाम लिखना ज़रूरी है. पेस्ट अ स्टैम्प हेयर, यहाँ पे आपने स्टैम्प पेस्ट करना होता है. ही, हाय, माई नेम इज़ सैली टर्नर. सैली टर्नर ने अपना नाम लिखा है एंड आई एम 7 ईयर्स ओल्ड. उसने बताया मेरा नाम सैली है. एलिस को अब वो लिख रही है, क्या लिख रही है, माई नेम इज़ सैली टर्नर एंड आई एम 7 ईयर्स ओल्ड. मैं 7 साल की हूँ और मेरा नाम सैली टर्नर है. आई लिव विद माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, एंड टू ब्रदर्स ऑन द फार्म इन टेक्सिस USA. नाउ शी इज़ टेलिंग अबाउट हर पेरेंट्स और हर फैमिली दैट शी लिव्स विद हर पेरेंट्स and her two brothers are on the farm in Texas, USA. ठीक है, it is a city of USA, Texas. I go to Greenwood Park. एक सेकेंड, firstly underline this word Texas. Okay, now I go to Greenwood Park, Greenwood Elementary School. अच्छा, वो बता रही है कि मैं कहाँ जाती हूँ, मेरे स्कूल का क्या नाम है, ग्रीनवुड पार्क एलिमेंट्री स्कूल. एंड माय फेवरेट सब्जेक्ट्स आर मैथमेटिक्स एंड आर्ट. फेवरेट मैथमेटिक्स. लक लुक, शी इज़ टेलिंग अबाउट हर सेल्फ दैट शी इज़ स्टडिंग इन ग्रीनवुड पार्क एलिमेंट्री स्कूल.
ठीक है, इट इज़ हर स्कूल्स नेम दिस एंड हर फेवरेट सब्जेक्ट्स आर मैथमेटिक्स एंड आर्ट. नाउ इन नेक्स्ट पैराग्राफ शी इज़ टेलिंग अबाउट हर हॉबीज. माई हॉबीज आर राइडिंग हॉर्सेज, घोड़ों पर सफ़र करने का उसे शौक है, घोड़ों पर राइडिंग का, एंड कलेक्टिंग कॉइन्स और कॉइन्स कलेक्ट करना, सिक्के कलेक्ट करना डिफरेंट सिटीज़ या कंट्रीज़ के, सिटीज़ नहीं सॉरी कंट्रीज़ के, डिफरेंट कंट्रीज़ के उसे कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक है. आई हैव मोर देन 40 कॉइन्स फ्राम डिफरेंट कंट्रीज़. अब उसके पास डिफरेंट कंट्रीज़ के 40 कॉइन्स हैं, 40 कॉइन्स हैं, ठीक है. माई ग्रैंड फादर गेव सम टू मी, उसके ग्रैंड फादर ने उसे सम दिए, मतलब कुछ उसके दादा बू ने उसको दिए. आई लाइक एनिमल्स, मुझे एनिमल्स भी बहुत पसंद है. एंड आई होप टू बी अ वेट वन डे, और मैं एक दिन, यानी कि मैं एक दिन क्या बन जाऊँगी, डॉक्टर बन जाऊँगी. और किसका डॉक्टर? एनिमल्स का डॉक्टर. वेट को अंडरलाइन करें. प्लीज़ राइट टू मी एंड टेल मी ऑल योर अबाउट योर सेल्फ, दिस इज़ माई एड्रेस. अब क्या हुआ कि जो एलिस है ना, वो सॉरी एलिस को उसने बोला, सैली ने बोला कि आप मुझे अपना एड्रेस सेंड करो और मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ. मैं उसने तो बता दिया खुद, ठीक है. नाउ इट इज़ द एड्रेस, दिस इज़ माई एड्रेस. ये किसका एड्रेस है? ये सैली का एड्रेस है. ओके, नाउ इन दीज लाइन्स और इन दिस पार्ट, दिस इज़ वेयर यू राइट द एड्रेसीज नेम एंड एड्रेस. नाउ ये आपने एलिस, यानी कि जिसको आपने ये पोस्ट कार्ड करना है, वहाँ पे मतलब उसका जो एड्रेस है और उसका नाम इस जगह पे लिखना होता है, ठीक हो गया. अच्छा, ये उसने अपना एड्रेस दे दिया जी सैली ने. सिंसियरली सैली, ये क्लोजिंग एंड सिग्नेचर, यहाँ पे आपकी क्लोजिंग आती है और उसके बाद आपका नाम आता है. PS, द पिक्चर ऑन दिस पोस्ट कार्ड शोज़ यू व्हाट माई होम टाउन लुक्स लाइक्स. अच्छा, अब क्या हुआ, द पिक्चर ऑन दिस पोस्ट कार्ड, अब इसका जो पोस्ट कार्ड है उसके ऊपर जो पिक्चर है वो क्या देख रहा है, वो उसे बता रही है कि मेरा होम टाउन किस टाइप का है, ठीक है. अब समझ आ गई. ओके, नाउ क्लास पिक आउट योर एक्टिविटी बुक. येस, इट्स एन एक्टिविटी बुक, पेज नंबर 48, राइट अ डेट दैट इज 17 सितंबर, 2020. राइटिंग एक्सरसाइज 3G, माई पेन पॉल, ठीक है. अभी अभी हमने पढ़ा है ये, ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा ये करने को. रीड द पोस्ट कार्ड फ्रॉम सैली इन योर टेक्स्ट बुक, अभी हमने पढ़ा है अगेन, मतलब आप दोबारा से वो पोस्ट कार्ड पढ़ो. देन इमेजिन दैट यू आर राइटिंग अ रिप्लाई टू सैली, के उसने कहा था ना कि रिप्लाई करें, एलिस को कहा था. तो हम अब आपने ये इमेजिन करना है, अंडरलाइन दिस वर्ड, हमने अब ये सोचना है कि जैसे हम उसको रिप्लाई करें, ठीक है. एलिस तो नहीं करी लेकिन हम कर रहे हैं. नाउ अब आपने क्या क्या स्टेप्स अपने माइंड में रखने हैं, फॉलो दीज स्टेप्स, इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपने पोस्ट कार्ड लिखना है इस पेज पर. ओके, नाउ थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू से, आप सोचो कि आपने क्या क्या लिखना है. नंबर टू, राइट अ ड्राफ्ट ऑन अ सेपरेट शीट ऑफ पेपर इन योर पोस्ट कार्ड. ओके, नाउ आपने जो ये लिखना है सब कुछ, ये एक सेपरेट शीट के ऊपर लिखना है. इन योर पोस्ट कार्ड, आपने अपने पोस्ट कार्ड में क्या क्या देना है. यू मे राइट अबाउट, आप क्या क्या लिख सकते हो, योर स्कूल के बारे में, योर स्कूल, योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड योर हॉबीज़. आपने अपने बारे में क्या क्या लिख सकते हैं, आप अपने स्कूल के बारे में लिख सकते हैं, आप अपनी फैमिली के बारे में और फ्रेंड्स के बारे में लिख सकते हैं, एंड योर हॉबीज़ एंड अपनी हॉबीज़ के बारे में. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज़ चेक योर पोस्ट कार्ड आफ्टर यू हैव फिनिश्ड, जब आप फिनिश कर लें, ख़त्म कर लें पोस्ट कार्ड लिखना, तो उसके बाद फिर आप उसको चेक करो. योर पोस्ट कार्ड मस्ट कंटेन द फॉलोइंग, आपके पोस्ट कार्ड में ये 4 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए. कौन कौन सी? सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग एंड द नेम ऑफ द पर्सन, मतलब कि आपने जो सैल्यूटेशन है, यानी कि आपने जो उसकी जो नाम वगैरह है ना, नाम और सलाम वगैरह करना है, ठीक है, तो वो सब कुछ उससे करना है. एंड नेम ऑफ अ पर्सन, सलाम वगैरह करना है, एंड नाम वगैरह होना चाहिए, नाम ज़रूर होना चाहिए उसमें. करेक्ट स्पेलिंग्स एंड पंक्चुएशन, करेक्ट स्पेलिंग्स होनी चाहिए, मतलब ये ना हो कि किसी वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, या पंक्चुएशन, या फिर कॉमास वगैरह ना हो सही, इन्वर्टेड कॉमास ना लगाएं, या जो भी पंक्चुएशन आपकी गलत हो जाए, ये नहीं होना चाहिए. करेक्ट स्पेलिंग्स होनी चाहिए और करेक्ट पंक्चुएशन होनी चाहिए. क्लोजिंग एंड सिग्नेचर, क्लोजिंग फिट होनी चाहिए जब आप ख़त्म करने वाले हों लेटर, वो पोस्ट कार्ड, तब अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए. एंड लास्ट इज़ योर सिग्नेचर. ओके, नाउ द नेक्स्ट पेज इज़ पेज नंबर 49. ओके, यू कैन सी इट नाउ. अब इसमें आपने क्या करना है कि आपने पोस्ट कार्ड को लिखना है, ठीक है. अब आपने क्या लिखना शुरू करें. नाउ क्लास राइट डियर डैश, नाउ यू आर आंसरिंग सैली ना, सो राइट डियर सैली, SALLY सैली, डियर सैली,
hi. It's a salutation, so write hi and approximately sign. Approximation sign, okay, hi. Then my name is, now you will write your name, okay? My name is, hi, my name is, can you see it clearly or not? ओके नाउ हाय माय नेम इज़ डैश. अब आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है? मैं अपना नाम, आई विल राइट माय निकनेम इम्ती. ओके ओके, सो माय नेम इज़ इम्ती. यू विल राइट योर ओन नेम एंड योर फुल नेम. ओके, सो माय नेम इज़ इम्ती एंड आई एम डैश ईयर्स ओल्ड. हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड आर यू? अच्छा, अब मैं अपना तो नहीं लिखूंगी, मैं आप लोगों का लिखूंगी, ठीक है? माय नेम इज़ इम्ती एंड आई एम 6 years old. ओके, छोटी सी हो गई मैं आप लोगों के साथ रह के. आई एम 6 years old, फुल स्टॉप. आई लिव विद माय पेरेंट्स, फुल स्टॉप. पेरेंट्स का पी स्मॉल है, मैंने कैपिटल गलती से लिख दिया था, ठीक है? ये देखिए मेरी इरेजर भी रखी हुई है साथ. सो आई लिव विद माई पेरेंट्स इन इस्लामाबाद, ISLAMABAD, इस्लामाबाद, कॉमा पाकिस्तान, कॉमा PAKISTAN, ओके, पाकिस्तान. नाउ यू कैन सी दिस बॉक्स. Here is the full address and name of Sally. Sally Turner, 44A, Watton Road, Smithville, Texas. And this is number, I think, number of her house or a street or area, USA. Okay, now it is this time. So write Islamabad and Pakistan again. Now leave one line and then again start. I go to M. Now write your own school name, MLSC. I go to MLSC and my favorite, FAVOURITE, favorite subjects, SUBJECTS, subjects are, now you will write your own favorite subjects. Okay, I will write my favorite subjects, and my favorite subjects are English, 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 and computer studies. Okay, these are my favorite subjects. Okay, or you will write your own. Okay, it's not compulsory to write English and computer science, you can write your own favorite subjects. Okay, so now in next line again leave this line and write my hobby is drawing, 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 full stop. I have many crayons, CRAYONS, crayons and colors, ठीक है? कि मेरे पास ढेर सारे crayons हैं और colors भी हैं. I want to be a, अच्छा, अब आप क्या बनना चाहते हैं? मैं तो टीचर बनना चाहती थी और मैं बन गई. अब आप लोग क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है? तो आप ये अपने पसंद का लिख सकते हो. यहाँ भी कोई कंपलसरी नहीं है कि जो मैं लिखूँ वही आप लिखो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? सो आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, मैं लिख रही हूँ टीचर. अब जो लड़के हैं वो पायलट भी लिख सकते हैं, वो डॉक्टर भी लिख सकते हैं, और वो बिजनेसमैन भी लिख सकते हैं, और जो लड़कियां हैं, गर्ल्स जो हैं, वो टीचर भी लिख सकती हैं,
और वो क्या लिख सकती हैं, और वो डॉक्टर भी लिख सकती हैं, गर्ल्स भी डॉक्टर तो होती हैं, वो इंजीनियर लिख सकती हैं, वो गर्ल्स भी इंजीनियर्स होती हैं, सही है। सो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप लोग क्या लिखो। ओके, नाउ इन लास्ट टू लाइन्स राइट सिंसियरली SINCERELY कॉमा एंड राइट योर ओन नेम हियर। ठीक है, जो बच्चा जो जो लेटर मतलब जो जो ये पोस्ट कार्ड लिख रहा है वो नीचे क्या लिखेगा जी, अपना नाम, मैं अपना नाम लिखती हूँ इम्ती बिकॉज आई हैव रिटन दिस नेम अबव, सो आई राइट इम्ती हियर अगेन फुल स्टॉप। सो राइट योर ओन नेम, ठीक है, जिस तरह अब मैं किसी और स्टूडेंट का नाम लूँ, ठीक है, प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने मोहम्मद साद का नाम लिया, अरूज मसूद का नाम लिया, आज मैं नाम लेती हूँ जी अनाया का, अनाया फातिमा का, ठीक है। सो अनाया फातिमा, अगर फॉर एग्जांपल अनाया फातिमा अगर ये नाम ये पोस्ट कार्ड लिख रही हैं, देन शी विल राइट हर ओन नेम हियर, इम्ती की जगह वो अनाया फातिमा लिखेंगी और इम्ती की जगह वो यहाँ पे ऊपर भी अनाया फातिमा लिखेंगी। ठीक हो गया, सही है। नाउ रिमेंबर टू चेक योर वर्क आफ्टर यू फिनिश राइटिंग। नाउ आपने राइटिंग फिनिश कर ली, अब अगेन आप लोग चेक कर लो कि आपने बिल्कुल ठीक लिखा है या नहीं। ओके क्लास, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।